हेलो एवरीवन, आज हम एक एडवेंट कैलेंडर अनबॉक्स करने वाले हैं। अगर आपको एडवेंट कैलेंडर के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ। ये यूजुअली जहाँ पे क्रिसमस ज़्यादा मनाए जाते हैं ना, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट चलता है कि जब तक क्रिसमस आता है तब तक रोज़ एक एक दिन एक एक दरवाज़ा खोलना होता है और उसके बीच एक सरप्राइज गिफ्ट होती है। और मैं ज़ोएला करके एक यूट्यूबर है, उनको बहुत फॉलो करती थी एंड उनके व्लॉग्स में मैंने ये तीन चार साल पहले देखा था, तो मुझे तब से एक एडवेंट कैलेंडर खरीदना था, बट वो इंडिया में मिलता ही नहीं है। मैंने अमेजोन पर ढूंढा, फ्लिपकार्ट पर ढूंढा, सब जगह पर ढूंढा, बट मुझे कुछ खास मिला नहीं कहीं पे। एंड नायका पे एक साल पुराना एडवेंट कैलेंडर आया था और वो मतलब आई थिंक 50% ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो मैंने वो फिर नहीं लिया। बट ये साल मैंने ASOS से मंगवाया मेकअप रेवोल्यूशन का एडवेंट कैलेंडर एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि इसका MRP सिर्फ 3800 था एंड इसमें कुछ 12 से 18 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, तो आई वॉन्ट टू सी इफ इट इज़ वैल्यू फॉर मनी और नॉट। कस्टम्स ड्यूटी लगी थी इस पर, लेकिन वो सब मैं आपको एंड में बताती हूँ। सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। आई नो कि काफ़ी यूट्यूबर्स को ऐसे सारे पैकेजेस फ्री में मिलते हैं, PR में मिलते हैं, लेकिन मैंने मेरे खुद के पैसे से लिया ये एंड इसलिए मुझे थोड़ा सा खुशी हो रहा है गैस। मैंने इसको एक्चुअली खोला है एक बार बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि अंदर कुछ टूटा फूटा नहीं है, अगर टूटा तो मैं साफ़ कर दूँ, एंड एक्चुअली कुछ टूटा था। लाइक दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। 12 दिन के 12 बॉक्सेस। हमारा जो पहला चीज़ है ना, वही थोड़ा टूटा हुआ आया है। द फर्स्ट थिंग इज़ दिस आई शेडो पैलेट, एंड अगर आप देखोगे तो ये वाला इसका टूटा हुआ आया है एंड इसमें से सारा पाउडर स्पिल हो गया था अंदर, बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे लग गया था। लेकिन थैंकफुली सिर्फ एक चीज़ टूटी थी, क्योंकि ये आया है लंदन से तो बहुत ही टूटी फूटी हालत में बॉक्स था बाहर का, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट डैमेज होने की वजह से मैं तो खुश हूँ, बाकी सब बराबर है। सो डे वन के लिए है ये रेनबो मेटालिक्स आई शेडो पैलेट। बहुत ही प्रिटी और कलरफुल है, इसको स्वॉच करके देखते हैं। That is so pigmented. मैंने कुछ भी स्वॉच नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ डैमेज चेक करने के लिए खोला था, तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो। ये है फर्स्ट रो, मैंने कुछ कलरफुल आई शेडोज के 2-3 पैलेट खरीदे अभी तक एंड किसी भी पैलेट में इतना अच्छा कलर पे ऑफ नहीं देखा। ये सारे एक स्वाइप है, इमेजिन इसके ऊपर और आई शेडो डाला तो कैसा इफेक्ट आएगा। दिस इज ब्रिलियंट। एक्चुअली जो कलर टूटा ना उसका भी थोड़ा सा बचा है ऊपर, वो भी स्वॉच करके देख लेते हैं। दैट इज सो प्रिटी। तो ये पैलेट अपने आप में इतना यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि फिर ग्लिटर बॉल लगेगा अपने आँख के ऊपर, तो मैट आई शेडोज़ के ऊपर सिर्फ कोई एक कलर लगा दिया ना, देन दिस पैलेट इज़ यूज़फुल। लेट्स चेक डे नंबर 2। डे नंबर 2 के ऊपर लिखा है ट्रांसलूसेंट प्रेस्ड पाउडर, तो उसके लिए इतना बड़ा डब्बा क्यों है? इतने बड़े डब्बे में आधा तो वेस्ट था, बट ओके। इतना नहीं दिखेगा ये बिकॉज ये ट्रांसलूसेंट है, मतलब इसका ज़्यादा पिगमेंटेशन होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा दिखना चाहिए। अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश है, बट आई थिंक इसको और ट्रायल करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ गुड और नॉट। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग है टू सी कि क्या क्या आ रहा है ये वाला एडवेंट कैलेंडर के अंदर। डे नंबर 3 इज़ दिस आई प्राइमर। वाओ, मैंने आई प्राइमर वही बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा है कि आई शेडो लगाने के पहले लगाते हैं, हम रेगुलर लोग कंसीलर लगाते हैं आई शेडो के नीचे, तो दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। बहुत ही फैंसी लुकिंग बॉटल है इसका, लाइक काफ़ी हैवी मटेरियल है। ओ, इट लुक्स लाइक अ कंसीलर। बहुत ही जाड़ा फील है इसका, बट हम ट्राई करेंगे। वैसे भी आई शेडो गेम मेरा इतना अच्छा है नहीं, तो जो भी चीज़ हेल्प करेगा इट्स गोन बी नाइस। बट सो फार ये 3 प्रोडक्ट ही मुझे कुछ हज़ार रुपए का एक प्रोडक्ट लग रहा है, तो 3000 रुपए तो इधर ही हो गया एंड हमने ये पूरे बॉक्स के लिए कुछ 3800 भरे थे। डे नंबर फोर का बॉक्स काफ़ी बड़ा है। इट्स एज एसेंशियल्स आई ब्रश सेट। मैंने बहुत रिसेंटली आई शेडो ब्रशेस ख़रीदे एंड कैन यू बिलीव 7 से 8 ब्रशेस 5000 रुपये।
सारे से ब्रशेज है, मतलब तब मुझे बुरा लगा कि बचपन के पेंटिंग ब्रशेज ज्यादा अच्छे हैं, 20-30 रुपए के कहा जाता है, तो हजार हजार रुपए का एक ब्रश पड़ता है। तो इफ दिस इज व्हाट आई थिंक इट इज, आई एम गोना बी वेरी एक्साइटेड। इट हैज 3 मेकअप ब्रशेज, वाओ। तो ये आई शेडो पैक करने के लिए काम आता है, मतलब अच्छे से आई शेडो लग जाएगा आप पे। इट इज़ फॉर मोर पिगमेंटेशन, क्योंकि ये जाड़ा वाला ब्रश है, ये अंडर लाइक लोअर लैश लाइन पे लगाने के लिए काम आता है ये छोटा वाला ब्रश, और इससे थोड़ा बहुत ऐसे आई लाइनर भी स्मच कर सकते हैं। एंड दिस थर्ड ब्रश, दिस इज़ अ ब्लेंडिंग ब्रश, इससे एजेस स्मूथ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में ऐसे ब्रशेस ना 300 से 400 का स्टार्टिंग प्राइस है पर ब्रश, तो मतलब ये बॉक्स में भी हजार रुपए का प्रोडक्ट्स निकला है। डे नंबर 5, इस पे लिखा है आई डिफाइनिंग किट। व्हाट वुड दैट बी? ओह, अनदर ब्रश, वाओ। पर ये ब्रश टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है थोड़ा, आई थिंक ये खराब हो गया है पैकेजिंग में, क्योंकि यूजुअली आई लाइनर ब्रश कभी भी ऐसा टेढ़ा नहीं होता, एकदम शार्प, एकदम ये होना चाहिए, यू नो, स्ट्रेट। नेवर माइंड, और भी कुछ है अंदर, वाओ। इसमें से भी 3 प्रोडक्ट्स, 2 काजल पेंसिल जैसा लग रहा है, बट ऑफकोर्स दे डोंट कॉल इट काजल, दे कॉल इट आई डिफाइनर्स एंड आई लाइनर्स। एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, दैट्स प्रिटी गुड। इतना पतला लाइन था ये, एंड बहुत ही स्मूथ है यार। ब्लैक, दैट इज सो फाइन, बॉल पेन जैसा पतला टिप है इसका, आई एम सोल्ड। डे नंबर 6, आई थिंक हाफ वे थ्रू, ये है इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। मैं प्राइमर ज़्यादा वैसे भी यूज़ नहीं करती, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये कैसा है। काफ़ी बड़ा ट्यूब है, बेनिफिट का ये साइज का ट्यूब कुछ 2750 का आता है। ये मेरे को थोड़ा थोड़ा मैक का वो स्ट्रोब क्रीम है ना, उसका याद दिलाता है कि यहाँ पे लगा के जो हाइलाइटर कर सकता है ना। आई नो कि दिस इज मेंट टू बी यूज अंडर फाउंडेशन एज अ प्राइमर, लेकिन इसके ऊपर अगर फाउंडेशन डाल दिया तो इसको लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, तो आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। बट आई एम प्रीटी श्योर कि इसका कुछ ना कुछ यूज़ तो मैं कर ही लूँगी, एंड काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। डे नंबर 7 इज़ द बिगेस्ट बॉक्स सो फार, इस पे लिखा है इल्यूमिनेटिंग फिक्सिंग स्प्रे। मैंने मेरे लाइफ में सिर्फ 2 बार फिक्सिंग स्प्रेस खरीदे हैं, दोनों 250-250 वाले हैं, तो या आई डोंट बाय स्प्रेज जल्दी से। एंड मुझे मैक का एक छोटा सा सैम्पल फ्री आया था कभी, तो आई डोंट नो हाउ टू जज अ स्प्रे, बट आई थिंक ये शाइन वाला होगा, नॉर्मली लग रहा है, ठीक है, फील्स लाइक अ नॉर्मल स्प्रे। बट स्प्रेज आर एक्सपेंसिव, एक अच्छे ब्रांड का इतनी साइज की बॉटल अगेन कुछ 700-800 रुपए की आती है, सो दैट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी फॉर अस राइट नाउ। आई थिंक डे नंबर 8, या डे नंबर 8, ओके, अभी सारे के सारे सिर्फ बड़ी चीज़ें बाकी है, दैट्स एक्साइटिंग। डे नंबर 8 इज़ अ ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट, वॉट, मतलब ये पैलेट में 4 ब्लशेस और 4 हाईलाइटर्स है, मतलब एक बॉक्स के अंदर 8 प्रोडक्ट्स। इसकी साइज भी कितनी बड़ी है यार। द ब्लशेज लुक लाइक अ मैट फिनिश, एंड मुझे मैट ब्लशेज ही ज़्यादा पसंद है, एंड हाईलाइटर्स काफ़ी स्पार्कली है। इट्स टाइम टू स्वॉच, पहले हम स्वॉच करेंगे सारे के सारे ब्लशेज, दैट्स नॉट बैड फॉर अ ब्लश। वो ऑरेंज शेड था थोड़ा, अभी ये वाला ट्राई करेंगे, अभी ये सबसे डार्क वाला, एंड देन द लाइट पिंक। When have we seen blushes this pigmented? I don't think ये palette India में available है अभी, एंड होता तो भी हजार रुपये के नीचे तो नहीं होता for sure. अभी highlighters try करते हैं। इतना भी ज़्यादा pigmented नहीं था ये वाला। Number 2. Oh, that is something. ये वाला third. एंड ये वाला 4th, वाओ, ये है पूरा पैलेट।
It's gorgeous. Too pretty. I can't wait to use this. Day number 9. I think we are on day number 9. Another palette. ये है ब्रॉन्ज एंड कॉन्टोर पैलेट. ओके, मुझे ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर में ज़्यादा फ़र्क उतना लगता नहीं है. आई थिंक ब्रॉन्जर ग्लिटरी होता है, शिमर वाला होता है, एंड कॉन्टोर मैट होता है, क्योंकि कॉन्टोर से ना ऐसा चीक बोन बनाया जाता है, जॉ लाइन बनाई जाती है, ताकि इट लुक्स लाइक एकदम ऐसा शेप्ड फेस है. एंड ब्रॉन्जर इज़ यूज टू मेक इट लुक कि आप बहुत हेल्दी हो, मतलब एक सन का अच्छा ग्लो आ रहा है चेहरे पे. सो दैट्स द डिफरेंस. सो फार मेकअप रेवोल्यूशन का प्लस पॉइंट रहा है कि जितने भी पैलेट्स हमने देखे सारे के सारे पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है. पहला शेड है ये एकदम लाइट ब्राउन, दैट इज स्टिल सो विजिबल. सेकेंड शेड है ये थोड़ा मीडियम ब्राउन. थर्ड दोनों के बीच वाला, आई डोंट नो हाउ व्हाट एल्स टू से अबाउट इट. ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं थोड़े. एंड फोर्थ है सबसे लाइट वाला ब्राउन. मे बी इसको अंडर आईज में भी यूज कर सकते हैं, इतना लाइट है. एक बनाना शेड भी है. ओके, तो इसमें 6 पाउडर्स है मैट और सिर्फ 2 ब्रॉन्जर्स है. ये है बनाना शेड. बनाना शेड यूजुअली हाईलाइट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अगर यहाँ पे कॉन्टोर किया है तो इसके नीचे बनाना शेड लगाता है टू अगेन मेक इट लुक लाइक कि चेहरा और शेप्ड है. मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज आई फील वेरी कम्फर्टेबल एनी विच वेज. एंड लास्ट है थोड़ा वाइटिश वाला शेड. या एंड लास्ट 2 ब्रॉन्जर्स. That is pretty. I'm gonna go for a second swipe. दोनों में कुछ खास difference तो नहीं है, but they're both very pretty. Day number 10, a lip gloss trio. Are you kidding me? What? Lip glosses अभी बहुत ज़्यादा trend में चल रहे हैं, and मैंने 2 घंटे बिताए थे mall में एक अच्छा lip gloss ढूंढने के लिए, and वो भी कुछ 1000 रुपये का एक था, and इसमें 3 है. तीनों शेड्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. एक बहुत लाइट पिंक है, एक मीडियम पिंक है और एक ब्राउन शेड है. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिना शिमर वाले लिप ग्लॉस. शिमरी लिप ग्लॉस मुझे इतने पसंद नहीं आते. वो एकदम वेट लिप्स वाला लुक आना चाहिए. वो किम कार्डाशियन और वो सब ऐसे ट्राई करते हैं. ये है सबसे लाइट पिंक. वाओ, दैट्स प्रिटी. लेट्स ट्राई द मीडियम. एंड माई फेवरेट ब्राउन. मुझे न्यूड ब्राउन शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं. यूजली लिप ग्लॉसेस ना जितने जाड़े होते हैं उतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि उतना और ग्लॉसी इफेक्ट आता है और वो जल्दी से निकलने जाते, वरना वो लिप बाम जैसे लगते हैं. टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट दिस टू गो ऑन फॉर एवर. मतलब एकदम बर्थडे वाला फीलिंग आ रहा है कि गिफ्ट पे गिफ्ट आया जा रहा है. So our second last day, which is day 11, is another palette. But ये क्या है? Matte Neutrals Shadow Palette. ये हमारा second eye shadow palette है. इसके पहले सिर्फ एक वो shimmer वाला आया था. 10 eye shadows, and all of them are matte. Usually matte eye shadow palettes difficult होता है ढूँढना, expensive भी होता है. But this is what this one looks like. इसको swatch करते हैं. एंड कैन यू सी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी तक एक वेट वाइप के साथ आसानी से निकल रहे हैं. फॉर सम रीज़न मेरे को लगता है कि सेम ब्रांड है, लेकिन ये क्वालिटी ना बहुत बेटर है जो हम इंडिया से लेते हैं उसके कंपैरिजन में. मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन की एक पैलेट अभी पड़ी है मेरे बैग में, एंड ये उससे भी ज़्यादा बेटर है फिनिश में. तो हो सकता है कि शायद वहाँ पर क्वालिटी बेटर मिलती होगी, मे बी. ओके, फर्स्ट शेड इज़ अ वेरी डार्क ब्राउन. इससे स्मोकी लुक्स क्रिएट करना कितना अच्छा होगा. ये तो बेस शेड लग रहा है. थर्ड इज लाइट ग्रीनिश कलर. आई डोंट नो कि वो दिखेगा भी कि नहीं.
ये ग्रीन कलर इतना दिख के भी नहीं आ रहा. दैट्स नॉट अ नाइस कलर. ऑकर येलो जैसा है, लाइक अ वेरी लाइट ब्राउन. दिख रहा है वैसे तो, बट इट्स ओके. शेड नंबर 7 है ये ब्राइट ऑरेंज. काफ़ी स्मूथ है. शेड नंबर 8 अगेन एक बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राउन है. नॉट बैड. नंबर 9 है ये ऑरेंज. दैट्स नाइस. एंड नंबर 10 लास्ट शेड एक ग्रेश ग्रीन कलर है, विच इज़ ओके. तो ये हमारा पहला पैलेट है जो काइंड ऑफ ओके ओके है. मतलब इसके सारे शेड्स इतने अच्छे नहीं हैं, पर जो डार्क कलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है. तो सिंस ये मैंने अलग से नहीं ख़रीदा और ये सेट में आ गया था, इसलिए मुझे उतना रिग्रेट नहीं हो रहा. लेकिन अगर ये पैलेट अलग से मिलता है तो आई वुड रिकमेंड कि ये मत ख़रीदो, क्योंकि इसमें से 3-4 शेड्स इतने अच्छे नहीं है. तो इट इज़ नॉट द बेस्ट पैलेट. एंड आर लास्ट बॉक्स आई थिंक अच्छा ही होगा. स्मोक एंड शिमर शैडो पैलेट. दिस इज़ प्रॉबली फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस वाले दिन एकदम जटैक मेकअप लुक करना होगा. तो क्योंकि आई कैन सी वन वेरी ब्राइट आई शैडो फ्रॉम दिस, ये स्पार्कली ब्लैक कलर. मेरी यूजुअली फटती है डार्क कलर्स के साथ खेलने में, क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू लुक लाइक कि हम मार खा के आए हैं. आर लास्ट पैलेट. फर्स्ट शेड है एकदम लाइट ब्राउन शिमरी शेड. Wow, these palettes remind me of Huda Beauty के palettes. इतने smooth, probably smoother than the Huda Beauty palette. Shade number 2 है एक matte brown. One swipe. Shade number 3 है एक दूसरा but lighter shimmer shade. 4 है हमारा प्रिटी ब्लैक स्पार्कली कलर. इसमें ना यहाँ पे इतना स्पार्कल नहीं आ रहा जितना पैन में दिख रहा है. लेट्स ट्राई अगेन. आई थिंक ऊपर ज़्यादा स्पार्कल्स था कंपेयर टू इट कमिंग ऑन द हैंड. दैट्स नॉट गुड. नंबर 5 है ग्रे शिमरी शेड. दैट इज प्रिटी. ब्लूइश ग्रे कलर है. नंबर 6 एक ग्रीन मेटालिक शेड है. क्रिसमस ट्री जैसा कलर है इसका. वाओ. नंबर 7 एकदम लाइट शिमर बट ग्लिटर दिख के आ रहा है. लास्ट 3 शेड्स ठीक है, मतलब इट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, कुछ हटके नहीं है. फिर एक और मेटालिक शेड. क्यों ये 3 एकदम सेम ही लग रहे हैं, कुछ मेरे को इतना खास डिफरेंस नहीं लगा. एंड लास्ट शेड ऑफ दिस सेट एक लाइट ब्राउन है. यार आई वांटेड द लास्ट शेड टू बी गुड. ये तो अच्छा नहीं है, एकदम पाउडरी है. ओह ठीक है, बट दिस वॉज आर लास्ट पैलेट. एकदम क्रिसमसी वाइब तो है, एकदम फेस्टिव ग्लैम लुक वाले आई शेडोज है. एंड 10 आई शेडोज, बड़े बड़े आई शेडोज एक पैलेट में. तो कमिंग टू द कॉस्ट, इसका MRP था आई थिंक 40 pounds UK pounds, एंड वो अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 3800 आता है. इस पर कस्टम ड्यूटी लगा था 2200 rupees. तो सारा कुछ मिला के ये बॉक्स मुझे 6000 rupees का पड़ा, शिपिंग कस्टम्स प्राइस सब मिला के. एंड बहुत ज़्यादा मेकअप है ये 6000 rupees में. शिपिंग का टाइम बताओ तो इट टुक अराउंड 10-12 days आने में, लेकिन उसमें थोड़ा मेरा गलती था. मुझे कस्टम से ईमेल आ गया था काफ़ी टाइम पहले कि आपका पार्सल हमारे पास पड़ा है, आप पे कर दो, आप प्रूफ भेज दो तो हम आगे आपको भेजेंगे. एंड मैंने 4 दिन तक पेमेंट नहीं किया था. एंड 4th day पे मैं पैनिक हो गई कि अभी तो ये लोग वापस ही भेज देंगे इफ़ आई डोंट पे. लेकिन ये 7-10 days में आ जाएगा, वरना लंदन से अगर आप टाइम पे करोगे तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी फास्ट डिलीवरी. एंड इतना डैमेज भी नहीं हुआ था, तो इट्स अ गुड बाय.
अगर हम इंडिया में इतने अच्छे क्वालिटी के आई शेडोज लेने जाते हैं ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं। प्लस सारे के सारे एकदम स्मूथ थे, 95% चीज़ें पिगमेंटेड थी, तो आई थिंक 59 आइटम्स हुए कुछ अगर हम सारे आई शेडोज को सिंगल सिंगल गिने ना, तो 5900 में 59 आइटम्स, मतलब 100 रुपये की एक आइटम। एंड आई एम टेलिंग यू, ये स्प्रे 100 रुपये का नहीं है, डेफिनेटली कुछ 700-800 रुपये का है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पड़ा। मैं लिंक छोड़ दूंगी नीचे अगर आपको भी ऐसा कुछ लेना हो तो। बट दिस वॉज माई फर्स्ट एडवेंट कैलेंडर, बट अगर आपको ऐसा कुछ नया देखने में मज़ा आया तो दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।